जो गलत नीतियां रही या जो भी कहूं मैं, उसके कारण से इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। ये साफ तौर पे इकोनॉमिक सर्वे के डेटा बता रहे हैं। क्षेत्रवार जीएसडीपी का जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.23% है हमारा, इंडस्ट्री सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में 7.31% है और सर्विस सेक्टर में 5.02% है। इस फिगर से मैं यही निष्कर्ष निकाल सकता हूं, आप भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर में छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसके बाद भी देश के सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ की जो रेट है 7.93%, उससे भी थोड़ा कम रहना हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। वी नीड टू इम्प्रूव इट आने वाले समय में। और जो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट है वह 5.02% है, जबकि ऑल एवरेज इंडिया का 7.72% है। जबकि हमारा सर्विस, कोई भी इकोनॉमी जब डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होती जाती है तो प्राइमरी सेक्टर में पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी घट के पहले सेकेंडरी सेक्टर की ओर और फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की ओर शिफ्ट होती जाती है, आप सब लोगों को पता है। तो देखिए आज भारत की जो स्थिति है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन भी शिफ्ट होता है और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी शिफ्ट होता है। तो जीडीपी में आप देख रहे हैं कि भारत का एवरेज जो ब्लू जो कॉलम है वो दिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 14.4% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री सेक्टर से 30.97% का कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 31% के अराउंड है, जिसको हमको बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। और ये पिछले स्लाइड में आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ का रेट है वो 5.02% है, यानी ऑलरेडी हम पीछे हैं और उसको हम कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो गैप और बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आने वाले समय में, इसीलिए जो हमने 10 पिलर्स डिसाइड किए हैं इकोनॉमी के, इसी लॉजिक के साथ हमने ये पिलर डिसाइड किया है। एक उसमें महत्वपूर्ण पिलर है कि सर्विस सेक्टर की नई संभावनाओं पे हमको फोकस करना पड़ेगा, दैट वुड बी आवर न्यू, मतलब हमारे आने वाले समय में हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो छत्तीसगढ़ का 1,47,361 रुपए है, जबकि भारत का एवरेज औसत 1,85,854 रुपए है। जो ग्रोथ की रेट है 7.31% हमारे छत्तीसगढ़ की है और ऑल इन पूरे भारत देश का एवरेज 7.9% है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि एक पुरानी लिगेसी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के साथ रही है लंबे समय की, उसके कारण प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत से कम होना, चलिए एक बार के लिए हम मान भी लें, बट जो ग्रोथ है, जो वृद्धि की दर है, वो भी ऑल इंडिया के एवरेज से कम है, मतलब ये गैप और बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। तो इसको भी हमको, ठीक है पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से कम हो ये बियर किया जा सकता है, अगर वृद्धि की दर ज्यादा हो तो हम कैचअप कर लेंगे, लेकिन वृद्धि की दर भी कम है तो ये कैचअप करने के बजाय और पिछड़ते जाने वाले संकेत हैं अर्थव्यवस्था के, जो मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। और हम सब मिलकर के, आप सब मिलकर के, आप भी इकॉनमी के बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, सब मिलकर के आने वाले समय में इन फिगर्स इंप्रूव हो, इसके लिए हमको आर्थिक नीतियों को उस दिशा में विकास यात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा। लेकिन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जी ने अमृतकाल की बात कही, और अमृतकाल में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, जब देश की आजादी की सभी वर्षगांठ बनाएंगे, तब उनका दीर्घकालिक लक्ष्य उन्होंने सेट किया है कि विकासशील भारत विकसित भारत के रूप में परिणत होगा, यह उनका दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो उसी के अनुरूप जब भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ कहां होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमको एक लक्ष्य बनाना और एक स्ट्रेटजी बनाना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज है। और अभी से हमारा वो लक्ष्य और हमारी रणनीति तय होनी चाहिए, तभी हम उस दिशा में धीरे धीरे अपने कदम ले पाएंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना हमने इस बजट में की है, और इसे हम 1 नवंबर 2024 को, इसी साल जब राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तब 1 नवंबर 2024 को हम ये विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे कि आने वाले
आने वाले दो दशक से अधिक समय में हमारी रणनीति क्या होगी जिसके कारण हम विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना पाएंगे, ये हमारा दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होगा। और वहीं मोदी जी मिड टर्म टारगेट सेट करते हैं, उन्होंने मिड टर्म टारगेट सेट करते हुए कहा कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी और 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लैंडमार्क को हमको अचीव करना है। उन्होंने देश के लिए इस तरह का मिड टर्म टारगेट बना के रखा हुआ है। अभी उन्होंने एक नए मिड टर्म चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। दुनिया के कई अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में मोदी जी का जो तीसरा टर्म होगा उसमें भारत थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी नहीं बन सकती, ऐसे कई इकॉनमीज बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने चैलेंज लिया है कि उनका जो तीसरा कार्यकाल होगा, मतलब अगला जो 5 साल होगा, उसमें इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकॉनमी से 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनाना उनका लक्ष्य है। जब वो आए थे 2014 में तो हम 11th लार्जेस्ट इकॉनमी थे, 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। 11वें से 5वें तक का जंप इन 10 सालों में हमने लगाया है और अगले 5 सालों के उन्होंने मिड टर्म टारगेट सेट किया है कि हम वर्ल्ड की इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेंगे, ब्रिटेन को अभी हमने छोड़ा। तो इस तरह का मिड टर्म टारगेट मोदी जी ने सेट किया हुआ है, उसी के अनुरूप हम एक मिड टर्म टारगेट बहुत एग्रेसिव और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाए हैं। बहुत लोग बोलने लगे इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्यों बना रहे हो, तो जब हम बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा लक्ष्य बनाएंगे नहीं, तो उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कैसे करेगी। इसलिए बहुत बड़ा टारगेट हमने, बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट लिया है कि 2028 तक हम अपने जीएसडीपी को 10 लाख करोड़, आज 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी है, उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए हम बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत एग्रेसिव टारगेट है, बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है, लेकिन उस दिशा में हम प्रयास तो करें। इस सोच के साथ इस एग्रेसिव आक्रामक टारगेट को हमने फिक्स किया है कि आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पहुंचाना, ये हमारे छत्तीसगढ़ विजन, जो विकसित छत्तीसगढ़ का हमारा सपना है 2047 का, उसके लिए एक मिड टर्म टारगेट के रूप में हम सेट कर रहे हैं। और अल्पकालिक टारगेट 1 वर्ष की हमारे बजट को आप उस रूप में देख सकते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो हमारा लॉन्ग टर्म विजन, हमारा मिड टर्म विजन और हमारा शॉर्ट टर्म विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। दैट इज आवर व्यू फॉर दिस बजट। इस बजट के लिए हमारा सोच यही है। अब वो इस एग्रेसिव टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए 10 पिलर हमने बनाए हैं कि हमारी रणनीति किस दिशा में जानी चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए और विस्तृत जो विजन डॉक्यूमेंट